देखो भाई, अमीरों जैसा तो दिखना सबको है, सेलिब्रिटी जैसा स्टाइल भी सबको करना है, बट पैसे किसी को खर्च नहीं करना है। बट डोंट वरी, मैं भी पैसे नहीं खर्च करवा रहा आपको। वैसे देखो, सिंपल फंडा है, तुमको पैसे नहीं, तुम लोग को दिमाग चाहिए अमीर दिखने के लिए। Use your brain. जैसे यू डोंट नीड टू वेयर लाइक गुची लुई वुइटन कि भैया हमने तो ये पहना हुआ, हम तो बहुत अमीर है। बेसिक्स पहनो, तुम लोग वैसे ही दिखने लगोगे अमीर, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। चलो फिर, बिना किसी देरी के अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम बैक टू योर फैशन गाइड। मेरा नाम है हिमांशु सिंह एंड आई टीच यू गाइज टू ड्रेस बेटर। तो भैया, इफ़ यू रियली वॉन्ट एलिवेट योर स्टाइल एंड क्राउड से अलग दिखना है, देन अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज आई अपलोड वीडियो एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, एंड जाके थोड़ा इंस्टा पे भी फॉलो वॉलो कर लो मेरे को, बिकॉज वहाँ पे भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ, वीडियोज अबाउट लाइफ स्टाइल, स्किन केयर, ग्रूमिंग, फैशन एंड मैनी मोर। तो मेक श्योर इंस्टा पे भी आप लोग मेरे को जरूर जरूर फॉलो कर दें, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आज का जो वीडियो है हमारा, आज के इस एपिसोड ऑफ सस्ते में अच्छा, मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए सस्ते में अमीरों जैसा दिख सकते हो, बेसिकली ओल्ड मनी अचीव कर सकते हो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। कुछ टिप्स बताऊँगा, बस ये चीज़ दिमाग में याद रखना तो आपका सब सॉर्ट हो जाएगा, सब सॉर्ट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इम्प्रूव योर स्टाइल वाली वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखो भाई, पहले वो देखो, अच्छे से समझ जाओ, तो फिर आप ये दोबारा देख लेना आके, यहीं पे रहेगा चैनल पे वीडियो, तो मेक श्योर वो भी जाके जल्दी देखो, लिंक ही आपको इधर मिल जाएगा। चलो फिर, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, डैट इज इन्वेस्ट इन पोलो मोर रादर देन टी शर्ट्स। पोलो से भैया ये मतलब है मेरा, पोलो आपको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक एंड ज़्यादा यू नो ओल्ड मनी अचीव करने में हेल्प करता है। टी शर्ट ऑन द अदर हैंड आपको ज़्यादा स्ट्रीट स्टाइल एंड कैजुअल लुक को अचीव करने में हेल्प करता है। बट इफ़ यू वॉन्ट अ लुक रिच एंड क्लासी, तो टी शर्ट्स की जगह पोलो में इन्वेस्ट करो। बेस्ट पोलो आपको मिल जाएगा 800 तक में, 799 में। द बेस्ट स्टोर इज योर H&M, उनका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं उसमें, एंड पोलो की क्वालिटी इज बेस्ट एम बेस्ट भैया। तो चले जाओ, और मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर वहाँ पे भी चेक कर लेना। दिस फर्स्ट आउटफिट आइडिया इज अ वेरी क्लासी आउटफिट, एंड ये अमीरों का कलर कॉम्बिनेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर वाइट एंड ब्राउन। मैंने पहना है ये वाइट पोलो टी शर्ट जो कि स्लिम फिट है। रिमेंबर, फिट इज की इन लुकिंग एक्सपेंसिव, नो रिलैक्स फिट, ओवर साइज फिट, याद रखना ये। नीचे मैंने पहना है ये ब्राउन चीनोज फ्रॉम स्निच, जिसका कॉस्ट अराउंड 1499 था, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। शूज़ में मैंने पहना है ये ब्लैक लोफर्स टू मैच द बेल्ट, हाथों में ये लेदर स्ट्रैप वॉच, एंड देयर यू गो, दैट्स द फर्स्ट लुक। अगर आप लोग को अभी भी टी शर्ट पहना है तो आप लोग पहनो, नो डाउट, बट याद रखना एक चीज़, बिना लोगो वाली, आई रिपीट, बिना लोगो वाली पहनना, बेसिक पहनना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अचीव करने में हेल्प कर देगा थोड़ा बहुत, बट नॉट जैसा पोलो करता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम स्मोकिंग, बट ये स्मोक से ज़्यादा सेंटर लाफ लग रहा है भाई, पता है क्यों? बिकॉज सेकेंड पॉइंट ही ऐसा है, सेकेंड पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट, एंड आई थिंक आप लोग को अभी तक गेस कर लेना चाहिए सेकेंड पॉइंट क्या है, बिकॉज ये लगभग हर कोई जानता है बट इसको अच्छे से वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेयर नथिंग बट ऑल ब्लैक। वेयर नथिंग का मतलब ये नहीं नंगा, वेयर नथिंग बट ऑल ब्लैक, बिकॉज ऑल ब्लैक से अच्छा आपको रिच लुक, क्लासी लुक एंड थोड़ा माफिया वाला लुक अगर आपको चाहिए, ऑल ब्लैक से अच्छा और कोई अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा। दिस इज अ रिटन गारंटी। अब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग लो ये एक जिसमें मैंने व्हाइट एंड ब्राउन पहना है, एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑल ब्लैक। अब आप लोग खुद ही बता दो, विच वन लुक्स मोर एक्सपेंसिव, ब्लैक या फिर ये? आई नो अब आप लोग बोलोगे ब्लैक इज लाइक हर क्राउड से सेम, बट नहीं यार, पहनने का तरीका होना चाहिए बस। अब वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक ऑल ब्लैक आउटफिट को भी सेक्सी तरीके से पहन सकते हो। मैंने पहना है ये स्लीक ब्लैक शर्ट फ्रॉम स्निच, ये मैंने अराउंड 999 का लिया था, एंड बॉटम्स में मैंने पहना है ये ब्लैक प्लीटेड ट्राउजर्स फ्रॉम ऑफ ड्यूटी इंडिया। आप लोग इसी से समझ जाओ, द प्रोपोर्शन ऑफ द फिट, द कलर ऑफ द फिट, लाइक ब्लैक भी नॉट मैट ब्लैक, दिस इज स्लीक लाइक शाइनियर ब्लैक, वो और अच्छा लुक देता है आपको।
एंड एज यू कैन सी भाई इन दोनों एंड फुटवेयर में मैंने पहना है ये ब्लैक चेल्सी बूट। आप लोग इसको पहन सकते हो, लोफर भी पहन सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी अच्छा लगेगा इस पे। अब आप लोग खुद ही देख लो कि ये आउटफिट अच्छा लग रहा है ब्राउन एंड वाइट वाला या फिर ब्लैक वाला, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। चलो भाई अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्विच टू ट्राउजर्स फ्रॉम जीन्स। पहनो जीन्स जिसको पहनना है, वो नहीं बोल रहा कि पूरा जीन्स ही हटा दो, बट ओल्ड मनी एंड रिच लुक के लिए आपको ट्राउजर्स ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए जीन्स के अलावा। बट वैसे भी है भाई, गर्मियों में हो या ठंडी हो, जीन्स से ज़्यादा कंफर्टेबल तो मेरे को ट्राउजर्स ही लगता है भाई। अब इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से। ये रहा एक आउटफिट जिसमें मैंने ट्राउज़र एंड ये पोलो पहना है। ये रहा अनदर आउटफिट जिसमें मैंने जीन्स एंड पोलो पहना है, बस मैंने ट्राउजर्स को जीन्स से स्विच किया है ना। आप लोग खुद ही देख लो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ट्राउजर्स और पोलो वाला या फिर जीन्स और पोलो वाला, कौन सा आपको ओल्ड मनी एंड रिच लुक दे रहा है। यार आप लोग खुद ही देख लो और डिसाइड कर लो। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, व्हाट आई मीन बाय ट्राउजर्स को पहनो जीन्स से ज़्यादा। जैसे मैंने ये पहना है बेज कलर का ट्राउज़र एंड ऊपर मैंने पहना है इसके इसी से मिलता जुलता वाइट कलर का शर्ट एंड नीचे लोफर्स में ये मैंने ब्राउन कलर के शूज़ पहने हैं एंड दैट्स इट। हाथ में घड़ी, दैट्स इट। ये है पूरा ओवरऑल ट्राउज़र का लुक। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसी ट्राउज़र को स्विच कर दूँ जीन्स से, तो आप लोग खुद देख लो लुक में कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आ गया। कहाँ एक लुक आपको ओल्ड मनी दे रहा था, ऑन दी अदर हैंड दूसरा अब आपको नॉर्मल कैजुअल लुक दे रहा है। तो यही होता है, जीन्स को मत पहनो अगर आप लोगों को रिच क्लासी एंड ओल्ड मनी स्टाइल अचीव करना है, तो ट्राउजर्स ज़्यादा पहनो। चलो भाई जो लास्ट पॉइंट है ना, सस्ते में अच्छा कैसे आप देखो ओल्ड मनी, तो भाई वो आता है। अब हमने समझ लिया कि क्या पहनो, टी शर्ट की जगह पोलो पहनो, दूसरा कौन सा बेस्ट कलर होता है इसमें, तीसरा जीन्स की जगह ट्राउजर्स पहनो। अब तो चौथा आता है आपका कलर कोऑर्डिनेशन। कौन से ऐसे बेस्ट कलर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ओल्ड मनी अचीव कर देता है लोग, अगर ये आप कलर्स पहने ही पहने ब्लैक के अलावा, तो यू कांट गो रॉन्ग। बेस्ट कलर टू कोऑर्डिनेट इन ओल्ड मनी आर नेवी ब्लू प्लस वाइट, ब्राउन प्लस बेज, ब्लैक प्लस वाइट एंड बेज प्लस वाइट। ये तीन से चार कलर है ना, बेस्ट है आपके कलर कॉम्बिनेशन ओल्ड मनी स्टाइल में। एंड एक और चीज़, फाइनल नोटिस ये है कि फिट इज की। तो जितना अपने फिट पे काम करोगे आप कपड़ों के, उतना ज़्यादा अच्छे से आपका लुक वो अचीव करने में हेल्प करेगा। ओवरसाइज को अवॉइड करना इसमें, रेगुलर फिट पहन सकते हो, रिलैक्स फिट ज़्यादा रिलैक्स मत पहनना भाई, जो आपका साइज़ है वही पहनना। पता चला आपका साइज़ एम एंड रिलैक्स में आप एल पहन रहे हो तो फिर ओवरसाइज बन जाएगा, नहीं। तो भैया फिट इज द किंग इन अचीविंग ओल्ड मनी स्टाइल। चलो भैया विद दिस अब हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो ये थे कुछ टिप्स जिसमें आप सस्ते में अच्छा ओल्ड मनी स्टाइल अचीव कर सकते हो। अब हम विदा लेते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसे पिता होंगे तो मेरे पे तो मत कहते ही ज्यादा नहीं होल हो चुका है।